इंसान ने बस नहीं किया, पीले रंग में रंग गया। जरा सोचो तो सही, अल्लाह कहता था तौहीद का रंग चढ़ा लो, शरीयत का रंग चढ़ा लो, इस्लाम का रंग चढ़ा लो, और इन लोगों ने रस्मों के नाम पर इस्लाम को सरे बाजार रुसवा किया। मेहदी की रस्म करके गैरों को बताया है कि हम अल्लाह के नहीं है, पैगंबर के नहीं है, हम मुसलमान तो है लेकिन यहूदियत के गोद में परवरिश पाने वाले वो पिल्ले हैं कि जब जरूरत पड़ेगी तो काम यहूदियत का करेंगे, ईसाइयत का करेंगे, नसरानियत का करेंगे, साइबियत का करेंगे, मजूसियत का करेंगे, मुशरिकियत का करेंगे, हमें तुमसे कोई खतरा नहीं होना चाहिए। याद रखो, ऐसे लोग कान खोल करके सुन ले जो रस्म और रिवाज की तकमील में जहन्नम की खाई के इस कदर किनारे जा सकते हैं मौत के वक्त शायद उनके लबों पर कलिमे तैयबा जारी हो। ऐसे लोग आमतौर पर बेईमानी की मौत मरते हैं, ये तजर्बा कहता है और शरीयत भी यही कहती। पूरी कौम ने तबाही का तौक, लानत का तौक अपने गले में डाल लिया। अब आजमाइश ना आए तो क्या आए, अजाब ना आए तो क्या आए। कहा मुसलमान, काम किया बदतरीन मुजरिमीन का, कहा अपने आप को मोहम्मद का दीवाना, लेकिन दीवाने हो गए यहूदियत के। अपने आप को कहा कि नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, और जिंदगी भर कभी नबी का दामन पकड़ा ही नहीं। जिंदगी के शब रोज को देखो, जिंदगी के डगर को देखो, जिंदगी के तमाम जायजे के तौर पर अगर आप जिंदगी के सफात को पढ़ो तो जिंदगी के किसी वर्क से पता नहीं चलता कि हम मुसलमान हैं।